कंसारत जी में थारू भाषा कला संस्कृति हमारे पहचान संवर्धन प्रबंधन और जगेगा कहा हमार अभियान शुभ दीपावली तथा छठ पर्व को पावन अवसर में थारू लोक नाच तथा वेद सांस्कृतिक कार्यक्रम 2075 राजापुर 10 जनजेता माधी मंगलपुर बर्दिया आयोजक राजापुर नगरपालिका 10 नंबर वडा कार्यालय समन्वय सम्पन्न सांस्कृतिक समूह काठमाडौँ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ वडा समन्वय परिषद धन्यवाद 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 हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालक थियो। सर्वप्रथम त आज थारू भाषा कला संस्कृति हमार पहिचान सम्बोधन प्रबन्धनको जगेरा गर्न हमार सबैको अभियान तना मुन्डाराका साथ शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा थारू लोकनाच तथा भेट सांस्कृतिक कार्यक्रम के राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 आजकै दाजु शिव थारूज्यू वस्तुके राजापुर नगरपालिकाको आयोजनामा भुटिरहन कार्यक्रम निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आए विभिन्न राजनीतिक दलके प्रतिनिधि सबै एउटा सुरक्षाकर्मी सबै एउटा नागरिक समाजके अगुवा सबै एउटा बुद्धिजीवी शिक्षक पेसाकर्मी व्यापारी लगायत सम्पूर्ण राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 के गाउँवासी आदरणीय सज्जन प्रेमगण म तरफ से स्वीकारी हमारा संस्था जनपद सांस्कृतिक समूह काठमाडौँ की तरफ से स्वीकारी हार्दिक नमस्कार राम राम। आदरणीय उपस्थित सम्पूर्ण राजापुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 के उपस्थित जनसमुदाय आज थारू लोक नाच तथा किरात सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजना का तरह कर ली रही चीज के आवश्यकता आज हमारे ई ठाव काज तना विषय एकदम महत्वपूर्ण बा सान्दर्भिक विषय वस्तु हो। अब भर्खर हमारे संग्रिया अपने प्रेमी माझ में ये कार्यक्रम के उचित माथि उद्देश्य माथि प्रकाश पाके विचार सिकल वास्तव में कना हो तो से हमारा आदिवासी जनजाति थारू समुदाय के जनसंख्या के हिसाब से कभी कर चौथो फिर जनसंख्या रहा हमारा आदिवासी जनजाति मध्य के थारू समुदाय के जिस अंतर्गत हमार कला संस्कृति अत्यंत धनी बा हमारा कला संस्कृति के अत्यंत धनी समुदाय के जाति हुई थी जिस अंतर्गत आज हमारे थारू भाषा कार्य बचाए प्रथम संदर्भ में आज कार्यक्रम के औचित्य हमारा जनमति के अपन कला संस्कृति सीखना से पैदा हमारा भाषा सीखी छोटी हमारा कला हमारा बाबा काका काकी दादा बुदी इस शब्द पर सीखी वह हमारे से आज अमेरिका जैसे देश विकास हुई कारण हो तो सिर्फ भाषा के माध्यम से शायद वही लागत हमारा आम जनसमुदाय विकास अंग्रेजी शब्द नहीं बोलिए क्यों फिर नहीं बोलिए साधारण देखो हमारा अपन घर में बोला बैठे आज क्या की मम्मी कह के कभी यस नो थैंक यू अपना शब्द तक कभी वो मानसे आज भाषा के कारण ले अमेरिका फिर विकसित फिर तो हम लोग फिर आज अपन भाषा है कहे ने बचाई पड़ी तो कला सन्दर्भमा आज कार्यक्रमको यी कार्यक्रमको आवश्यकता हो र आज कार्यक्रमको उद्देश्य कसरी आदरणीय उपस्थित जन समुदाय मञ्च महासिन बड़का पाहुना लगायत मैले पाहुना हुन र पाहुना हुन मै पुरा जानकारी गराइ यहाँ तुकल छ आज हाम्रो देश नेपालमा यदि आदिवासी जनजाति हुनुहुन्छ संस्कृति जोगल बाटोसे कि नेवार समुदाय के हो कि थारू समुदाय और आदिवासी जनजाति हुनुहुन्छ आफ्नो संस्कृति विश्वास क्षेत्रको अवस्थामा जस अन्तर्गत आज हाम्रो संस्कृति के धनी थारू जाति लोक नाच के कारण
कारणले लोक नाच प्रस्तुत गरे यी नाच है हाम्रो राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखाके दस्तावेजीकरण गर्दा हिसाबले आज कार्यक्रमको उद्देश्य रहला आज हाम्रो समुदायमा नाच जना संख्या नाच मुंग्रोमा नाच लक्ष्मीमा नाच एपीएम क्लब के बीच महेन्द्र पुलिस क्लब के बीच नेपाल आर्मी क्लब लगाए सामना क्लाकेट में उठा हमारा टिपिकल संख्या नाच के स्टेट में दिखा के ऑर्गेनाइज कर गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हमारा थाल राजधानी में नाच देना विभिन्न किसी के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना करती रहती जिस अंतर्गत हमारे करीब करीब 18 जिला में शाखा विस्तार विभाग स्वागत बा स्वागत बा हमर अंगनाम पर गाद बुइयन हमर अंगनाम पर गाद बुइयन पपुनन उडर सकन हमर स्वागत बा चाड पर्व
जत्र नाचगान भयो दशैं तिहारमा प्रत्येक गाउँ गाउँमा सखिया नाच भयो भुर्दुङमा नाच भयो दिनोत्सव भयो पुस्तका दिवालीमा भयो माघमा मगौटा नाच भयो छोक्रा नाच भयो विभिन्न खालके नाच जौन पहिला भयो आज गाउँ हुइकी जाएका उमासे हाम्रो सबको थाल हुन्छ हाम्रो भाषा कला संस्कृतिको विकास केला सबको सहयोग भन्दा जरुरी बा यदि हाम्रो आफ्नो पहिचान केला थारूपन के अस्तित्व केला थारूपन के विकास हो प्रगति केला हाम्रो आफ्नो भाषा संस्कृति कला हाम्रो बचाइ नै छ कि कर से हाम्रो हाम्रो थारूनको पहिचान पनि जरुरी छ हाम्रो थारूनको अस्तित्व कर्मी रूपमा कमजोर हुई कि जाए ओमा से हाम्रो थारूनको अस्तित्व के लाग थारूनको पहिचान के लाग थारू जाति के विकास के लाग हाम्रो आफ्नो कला संस्कृति के विकास के लाग हाम्रो सबैले लागत पर्न जरुरी बा ओकममा हाम्रो राजापुर नगरपालिका के तथा राजापुर नगरपालिका के विभिन्न ओडा की ओर से समय समय में हमारा कला संस्कृति हम जोगैना हिसाब से विभिन्न खाल के कार्यक्रम के हमारा अटके आई रहते गत वर्ष हमारे नगरपालिका के कुछ ओडा में कस्त खाल के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुई पुस्तक ई साल से हमारे विभिन्न ओडा में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुई वडा नम्बर 10 की आयोजनामा हाम्रो यो कार्यक्रम गर्न जाइदि निश्चय फेरि यी कार्यक्रम लेकर हाम्रा थारूपनके भाषा संस्कृति जोगाइ नाम एक थो इटा कति कदम मैले आशा गर्न बाट काकले कि हाम्रो सबको जना व्यक्तिवादी पुष्टिवादी हाम्रो दिवालीको लगभग ठुलो राति हाम्रो घर अङ्गनामा शुभ दीपावली प्रवेश खाइसकेल बा हाम्रो व्यक्ति दिवालीमा हाम्रो थारू भाषा संस्कृति हन प्रबोधन तनामिरका थारूनके बाहुलेता हुइकिविति थिए थारूनके जनसङ्ख्या आत्रा घर हुइकिविति थिए हाम्रो दिवालीमा थारू नाच कम देख्थे अब हाम्रो सबैजना थारू नाच कम देख्थे हाम्रो दूरदर्शनमा नै हाम्रो देवालीमा भैली खेल्ने जौन हाम्रो थारू संस्कृतिमा नै पर्छ यद्यपि हाम्रा अन्य जातिको सँगै हाम्रो संस्कृतिमा परत ओमा चाहिँ भैली नै खेलाका विषय त नै हो तर हाम्रो थारू त आफ्नो भाषा संस्कृतिको नाच थारू नाच गान गर्छ एकदम बढिया विराम ग्रहका नाम गरेको सुझाव हाम्रो देखि भैलीमध्ये विभिन्न खालके विकृति विसङ्गति प्रवेश गरिसकेको हाम्रो नेपालमा नस्ता गैरा गीत नै गाएका हाम्रो हिन्दी भाषामा हिन्दी गानामा नस्ता डान्स गर्न उसमेरको प्रवृत्तिको ढुक विकास गर्छ त मलाई यी चिजमा न्यूनीकरण गरेका हाम्रो थारू भाषाको संस्कृतिको विकास गर्दा हाम्रो सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो बुद्धि विवेकको क्षमता अनुसार हाम्रो सबै लाग पर्न जरुरी बा अब त हाम्रो आज हाम्रो विभिन्न गाउँका सङ्ग्रहका नाच गान सुन्दर सुन्दर नाच गान भइदिएबाट पक्कै त्यो उहाँहरूले नाच गान हाम्रो हेर्दी मूल्याङ्कन पनि गर्दी हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सबैजना मूल्याङ्कन गर्दी उहाँको सँगसँग एउटा औपचारिक मूल्याङ्कन समिति थियो आफ्नो सबैजना थाहा पासेको लागि मूल्याङ्कन गरेर सँगै आउनु पर्थ्यो निष्पक्ष रूपमा नाच गान गरेर सँगै आउनु पर्थ्यो बढिया से मूल्याङ्कन गरिदिएका नामै अनुरोध गर्न चाहन्छु कोही कार्यक्रममा उपस्थित सक्छु आदरणीय
उद्घाटन कार्यक्रम समापन हुआ। सजना महिना हमार गाके बचाई हमार संस्कृति, सखिया झुमरा नाच मचा के बचाई हमार संस्कृति। मेर मेरी गहना गुड़िया, मेर मेरी गहना गुड़िया लहंगा चोलिया लगाई, धतिया देरवा देरवा गेरुआ सजा के बचाई हमार संस्कृति, सखिया झुमरा नाच मचा के बचाई हमार संस्कृति। ढेर से ढेर धन्यवाद और शुभकामना करना चाहते हूँ मैं कार्यक्रम संचालक छैया राम बाबू बखरिया की ओर से आप लोग ढेर से ढेर शुभकामना। थारू भाषा का संस्कृति हमार पहचान संवर्धन प्रवर्धन को जगेरना करना हमार अभियान मुख्य नारा सुनो आज अपने के मास में हमारा प्रस्तुति हम देखेंगे बाकी आदरणीय शक्ति उपस्थित है हमारे दर्शक महानुभावगण फिर से हमारे प्रिया तिवारी का विशेष पावन अवसर में संचालन नीति गलत थारू लोक नाचो बृहद सांस्कृतिक कार्यक्रम 2075 में अपने प्रयात्र आज अपने अपने हमारा मेर मेरा गीत संगीत से मेर मेरा एक गायक गायिका हुकन से वो ढोर से ढोर कलाकर्मी हुकन से आपने समन्वयकर्ता के रूप में सहयोग करने वाले
कसिक आग भराइकन हामीले ओ सम्बन्धी ज्ञान रसमा
हेर्ने मान्छे चौकी रहेछ नि त्यसमा ए ओइ ओइ अलि मजा आएन कि Bye.
Adiba, sakhiya, sasa la bara bari.
आवाज घनकैती और देवारी की अपन थारो संस्कृति झुमरक नाच नचैती और देवारी की के फिर पाला आई थी बा कि कोई आऊ
भवन के लिए आत्तर अपने उभरे वहाँ होंगे असल आके एकदम मजा से बैठी आज भी कार्यक्रम सभ्य और सभ्य के साथ अपने उभर के साथ में समापन हुई करना हमरे राम बखरिया सहिला और मैं सहिली हल्दी उभर के शुभ आशीष से हमारे कलाकर्मी का पुरान पुरान कलाकर्मी का जो बात हमारे गांव घर में मुकल प्रतिभा वहाँ का सम्मानित करने बात हमारे और अरक्षी उदार शुभ आशीष से वहाँ का हमारा सम्मानित कार्यक्रम धरती बात है सही है जात से हमारे हेराई रीति संस्कृति सम्मानी लायक बा हजुर बन के माझ में सम्मान पूर्वक सम्मान लायक व्यक्तित्व बाट यहाँ बने सम्मान करना कार्यक्रम हजुर हुकुमले समक्ष देखि बाटी और हेती बाटी जरूर से गांव घर में बिना नाच हेरा गिल गांव घर में बिना नाच हेरा गिल बारो मास देना गीत बांस हेरा गिल गांव घर में बिना नाच हेरा गिल बारो मास देना गीत बांस हेरा गिल ना नेता ना जन्ना बुझना मने बोलना ना नेता ना जन्ना बुझना मने बोलने हेती हेती अपने खेना गांस हेरा गिल हेती हेती अपने खेना गांस हेरा गिल अब तक लम्हे सम्मानित कर देगा यादेश्या जी के हमारे राजापुर नगर पालिका वड़ा नंबर 10 के वड़ा अध्यक्ष श्री दयाशंकर थारू जी होता मुखार आवाज से और आशीष से मई मंच में निंते जी बात में पकड़ा छेदिया थारू जी होके वहाँ सजना गीत का बहुत बढ़िया गीतकार होता मैं मंच में बड़ी जी बात हूँ छेदिया थारू जी कृपया मंच का आगा आकर सम्मानित होगी अपने हुकम हमने सम्मान करती बाती पुरान पुरान गीत बांस रेती बा अपने हुकम गीत बांस का जरिया ना कर लिया कितनी हुई वहाँ का फूल माला और टीकाकरण से सम्मानित करती बात हमार आज के वर्ग का पहना के रूप में धर्मस्या के रूप में रहल हम सभा के धर्मस्या जीव का आशीष से वहाँ का जीवन में बहुत प्रगति हो जाए Tidak ada nama Tidak ada nama
Kahamana bole, kahamana bole.
Thank you.